तो भाई लोग इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लुकिज्म एनीमे के बारे में। तो अगर तुम्हें इसके बारे में पता है या फिर कुछ भी नहीं पता तो इस वीडियो को आखिर तक देखना, तुम्हें इसके बारे में सब पता चल जाएगा और ये भी कि क्या ही तुम्हें देखना चाहिए या फिर नहीं। मेरा नाम है पार्क यूंग सॉक। तो लुकिज्म आखिर में है क्या? तो लुकिज्म पॉपुलर कोरियन वेबटून या फिर जिसे मानवा कहते हैं उसका एनीमे अडेप्टेशन है, लेकिन कुछ लोग इसे एनीमे नहीं मानते क्योंकि ये कोरिया से ओरिजिनेटेड है और कोरियन स्टूडियो ने इसे एनिमेट किया है, लेकिन इसका आर्ट स्टाइल एनीमे से सिमिलर है और हमारी कन्वीनियंस के लिए हमेशा एनीमे ही कहेंगे। तो सबसे पहले इसकी थोड़ी सी बेसिक स्टोरी जान लेते हैं क्योंकि वो पता होना जरूरी है। तो ये कहानी है पार्क यूंग सॉक की, जो कि दिखने में अच्छा नहीं है, मोटा है, कमजोर है, स्कूल में उसे सब लोग बुली करते हैं, कुत्ते जैसा मारते हैं, लाइफ नरक से कम नहीं। और इस सबसे तंग आकर वो अपना स्कूल बदल लेता है, दूसरे शहर के एक स्कूल में जाना चाहता है, लेकिन वहां जाता है पहले दिन ही कुत्ते जैसा पिट जाता है और उसका वो वीडियो भी वायरल हो जाता है और उसी दुख में वो सो जाता है। लेकिन दूसरे दिन जैसे ही उठता है वो अपने आपको एक दूसरी बॉडी में पाता है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग, कूल और हैंडसम है, लेकिन उसकी पुरानी बॉडी भी वहीं पर है। और बाद में उसे पता चलता है कि वो जैसे एक बॉडी में सो जाता है दूसरी बॉडी में उठ जाता है, मतलब कि उसकी बॉडी सॉप होती है, लेकिन उसे ये पता नहीं कि वो कैसे कर पा रहा है या फिर नई बॉडी कहाँ से है। लेकिन उसे हमेशा से एक नई और परफेक्ट बॉडी चाहिए थी जो कि उसे मिल चुकी है, तो उस नई बॉडी में वो स्कूल चला जाता है। लेकिन वहां जाते ही उसे पता चलता है कि उसका नया स्कूल पुराने स्कूल से कम नहीं, यहाँ पर उसे भी बड़े गुंडे भरे पड़े हैं और यहाँ पर भी बहुत गंदी बुलिंग होती है। तो इस नई बॉडी के साथ में नए स्कूल में क्या वो सर्वाइव कर पाएगा और क्या उसे पता चलेगा कि उसके साथ में क्या हो रहा है या फिर नई बॉडी कहाँ से आई। तो इस एनीमे की स्टोरी है, आई नो सुनने में इंटरेस्टिंग लग रही है, लेकिन एक्चुअल एनीमे की बात थोड़ी सी अलग है। मैं बिना ज्यादा घुमाए फिराए बोल देता हूँ, ये सबके लिए नहीं है। मतलब कि अगर तुमने इससे पहले सिमिलर कोई भी बुलिंग वाली मांगा मानवा नहीं पढ़ी है या फिर कुछ भी नहीं देखा है तो तुम्हें अजीब लगेगा, मतलब कुछ ज्यादा ही ओवर एग्जैजरेटेड लगता है। और ये सिर्फ लुकिज्म की बात नहीं है, लगभग सारे के सारे कोरियन वेबटून, मानवा और के ड्रामा में बहुत ज्यादा बुलिंग दिखाते हैं। अब एक्चुअल में वहां पर उतनी बुलिंग होती है या फिर दिखाने के लिए ये तो पता नहीं, पर इसे देखकर दिमाग जरूर घूम जाता है। और इसमें भी वही है, बहुत ज्यादा ओवर एग्जैजरेटेड लगता है। मैंने इससे पहले बहुत सारी मांगा मानवा पढ़ी है जिसमें इससे भी गंदी बुलिंग थी, लेकिन फिर भी एनीमे में देखने में बहुत अजीब लग रहा था और एक अलग तरह का फ्रस्ट्रेशन हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि उन चूतियों को पंच करूं और साथ ही मैं एमसीक्यू भी मारूं, मतलब कि इसके पास में नई बॉडी है लेकिन ये बंदा उसका इस्तेमाल नहीं करेगा। हम मानते हैं कि नई बॉडी में एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी चूती ने क्या किया? उन्हीं लोगों से जाकर दोस्ती की जिन लोगों ने इसकी चड्डी उतारकर फोटो निकाली थी। मतलब ये क्या लॉजिक है? चलो मानते हैं कि तुम्हें अपनी लाइफ चेंज करनी है जो कि ऊपर से नीचे तक ऑलरेडी चेंज हो चुकी है, तुम्हें नए दोस्त बनाने हैं, तुम्हारे पीछे स्कूल की सारी लड़कियां पागल है, बीचेस इंक्लूडेड, लेकिन फिर भी तुम क्या करते हो? उन्हीं गुंडों से दोस्ती करते हो जिन्होंने तुम्हारी चड्डी उतार कर फोटो निकाली और कुत्ते की तरह मारकर वीडियो वायरल कर दी। मतलब कितना बड़ा दोगला इंसान है यार। मैं मानता हूं कि इस एनीमे की साइकोलॉजी यही है, इस एनीमे वो दिखाना ही चाहते हैं कि इंसान कितने दोगले होते हैं, मतलब कि डबल स्टैंडर्ड वाले। वो तुम्हें लुक से कैसे जज करते हैं? अगर तुम दिखने में अच्छे हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी कितनी खराब क्यों ना हो, तुम कितने ही बुरे क्यों ना हो, तुम्हारे लिए सब माप है। पर वही अगर तुम दिल से अच्छे हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी कितनी ही अच्छी क्यों ना हो लेकिन दिखने में खराब हो, तो तुम बुरे हो। और पार्क यूंग सॉक के साथ में भी वही है, वो इंसान एक ही है लेकिन बॉडी अलग अलग है, तो उन्हीं बॉडीज में उसे जो ट्रीटमेंट मिलती है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। एक बॉडी में लड़कियां दूर भागती है, लोग कुत्ते की तरह मारते हैं, और दूसरी बॉडी में लड़कियां पीछे भागती है, ये हरेम किंग से कम नहीं है, गुंडे भी दोस्त बनना चाहते हैं। और रियल लाइफ में भी यही होता है और यही इस एनीमे की साइकोलॉजी है, तभी तो इसका नाम लुकिज्म है। खैर जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, ये सबके लिए नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ अलग देखना है, कुछ ज्यादा ही अलग, तो तुम इसे जाकर नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। और ये इंग्लिश और कोरियन के साथ साथ हिंदी डब में भी अवेलेबल है, और हिंदी डब की बात करें तो इसकी हिंदी डबिंग अच्छी है, नेटफ्लिक्स की डबिंग क्वालिटी जबरदस्त होती है। चाहे तुम बात करो एनीमे की, वेब सीरीज या फिर मूवीज की, उसमें तुम्हें कोई भी कमी नहीं मिलेगी। और इसकी डबिंग अच्छी है, पार्क यूंग सॉक को आवाज दी है राजेश कावा और संकेत म्हात्रे ने, मतलब की दो बॉडीज है तो दो अलग अलग आवाजें हैं, तो डबिंग अच्छी है। लेकिन के मामले में हम ये नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तुम लोगों को अगर देखना है तो जाकर देख लेना और उसके बाद में वापस आकर कमेंट करके मुझे बताना कि तुम्हें ये कैसी लगी। खैर इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर तुम्हें अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, और ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना। बाय द वे इंस्टाग्राम पर 1000 से ज्यादा फॉलोवर हो चुके हैं, पता नहीं कैसे, या यूट्यूब पर 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए लेकिन इंस्टाग्राम पर 1000 फॉलोवर हो चुके हैं, तो जाकर देख लेना। और मैं फिर से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सयोनारा।